हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को निबंध शिक्षण के उद्देश्य को बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। या किसी भी टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जैसे सीटेट हो गया, कोई स्टेट का TET हो गया, या फिर KVS हो गया, DSSB हो गया, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निबंध शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है छात्रों की अभिव्यक्ति का विकास करना। ठीक है, कि मतलब कोई भी बात को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाए छात्र, तो अभिव्यक्ति का विकास करना, पठन की कुशलता व गति का विकास करना, ठीक है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, निरीक्षण बोध कल्पना व विवेचना शक्ति का विकास करना। निबंध शिक्षण में के उद्देश्य में मतलब जो निरीक्षण, किसी भी चीज़ का बोध, कल्पना, किसी चीज़ की कल्पना करना और विवेचन शक्ति, इन सारे का विकास निबंध शिक्षण से होता है। शब्द सुक्ति मुहावरे व लोकोक्तियों का ज्ञान कराना, भाषा के व्याकरण पक्ष का ज्ञान कराना, भाषा में जो व्याकरण पक्ष होता है उसका भी ज्ञान कराता है निबंध शिक्षण। गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना, गद्य के जितनी भी शैलियाँ होती हैं सभी शैलियों का ज्ञान कराना, निबंध के भेदों का ज्ञान कराना, निबंध के भेद का ज्ञान कराना, सृजनात्मक एवं साहित्यिक रचनाएं करने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, मतलब जो साहित्यिक रचनाएं होती है उसको भी करने का क्षमता विकास करता है निबंध शिक्षण के उद्देश्य में। ये भी आता है मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान कराना, साहित्य अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चित्त वृत्तियों का परिमार्जन करना, देश जाति धर्म आदि के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करना, ये सब निबंध शिक्षण के उद्देश्य है। सामाजिक आदर्शों का पालन करना, कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, मतलब शब्द कम ही बोला जाए लेकिन अधिक से अधिक विचार जो है वो व्यक्त कर दिया जाता है निबंध के माध्यम से। ठीक है, तो निबंध शिक्षण का उद्देश्य हो गया। विषय सामग्री को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने का कौशल का विकास करना, मतलब जो विषय सामग्री है उसको मतलब तर्क के साथ तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने के कौशल का विकास करना निबंध शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और लास्ट जो है 17 नंबर, वो है विचारों की एकता बनाए रखने की कुशलता उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये सारे निबंध शिक्षण के उद्देश्य हुए। और आगे भी मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आती रहूँगी। जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कोई भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल टॉपिक पे वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।